हाय गाइस, मैं हूं ट्रैवलिंग देसी और आज मैं हूं कनाडा की कैपिटल ऑटावा में। और मुझे स्कैंडिनेवियन ट्रिप के बाद आइडियली तो अपने घर दिल्ली जाना था, बट मेरे को फोन आ गया मेरी माताश्री का और उन्होंने कहा कि एक फैमिली वेडिंग है जो आपको अटेंड करनी पड़ेगी ऑटावा में, सो कम टू कनाडा डायरेक्टली। फैमिली वेडिंग है, मुझे फोन आया तो मैंने टिकट बुक कराई कनाडा की, जो कि मुझे मिली 24,000 रुपए में वाया टर्की, अगेन टर्किश एयरलाइन। तो आज मैं शेयर करने वाला हूं आपके साथ कई ऐसी चीजें जो कि एवरेज कैनेडियंस डेली फेस करते हैं, और बताऊंगा कुछ उन चीजों के बारे में जो हमारे देशों से बहुत डिफरेंट है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस थिंग फर्स्ट, द कार। ये एक्चुअली मेरी गाड़ी है और ये घर जो है ये मेरे रिलेटिव्स का, यानी कि मेरे मामा श्री का है, और इनकी पार्किंग में मैं अपनी गाड़ी खड़ी करके छोड़ जाता हूँ जब मैं कनाडा में नहीं होता। और ये गाड़ी मैंने ली है एग्जैक्टली $7,000, यानी कि $3.5 लाख रुपए में, और ये सेकेंड हैंड गाड़ी थी जो मैंने ली थी, क्योंकि नई लेने की तुक नहीं बनती। मैं यहाँ पे सिर्फ 2 या 3 महीने के लिए आता हूँ साल में मैक्सिमम, क्योंकि मेरी अपनी फैमिली यहाँ है, मेरा सगा भाई यहाँ पे पड़ा था। और ये है 2010 मॉडल Hyundai Sonata। और आज का दिन शुरू करने से पहले, यानी इस गाड़ी को गैराज से निकालने से पहले, मुझे इसका इंश्योरेंस एक्टिवेट कराना पड़ेगा। जी हाँ, यहाँ पे जो इंश्योरेंस होता है वो एनुअल नहीं, मंथली होता है, क्योंकि प्रीमियम के प्राइसेस इतने ज़्यादा हैं और वो इतने अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं कि लोग अपना एक साल का इंश्योरेंस नहीं, एक एक महीने का इंश्योरेंस लेते हैं, और अगर कंट्री छोड़ के जाएं तो वो इंश्योरेंस बंद करा जाते हैं। फॉर इंस्टेंस, ये गाड़ी इसका एक महीने का इंश्योरेंस इस गाड़ी का, जिसकी वैल्यू 3.5 लाख रुपये है, मेरे को पड़ता था 12,500 रुपये। और मैंने, क्योंकि लास्ट ईयर ही कनेडियन लाइसेंस एक्वायर किया है, तो जो मेन फैक्टर है वो ये है कि आपके पास कितने टाइम का कनेडियन या अमेरिकन ड्राइविंग एक्सपीरियंस है, जिसके ऊपर आपके इंश्योरेंस के प्रीमियम की वैल्यू डिपेंड करती है। बट अब क्योंकि मेरे को एक साल हो गया और मेरा कनेडियन ड्राइविंग एक्सपीरियंस इसके अंदर ऐड हो चुका है, तो अब ये नीचे आके $170 के आसपास आ गया, यानी कि तकरीबन 8,500 रुपए के आसपास, विच इज स्टिल अफोर्डेबल। और क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ 2-3 महीने ही आता हूँ तो मुझे इतना ज़्यादा चुभता नहीं है, बट हाँ, क्योंकि जो एक्सपीरियंस है वो काउंट होता रहता है ड्राइविंग लाइसेंस मिलने के बाद, तो वो चीज़ें इंप्रूव होती हैं। प्लस यहाँ पे जो इंश्योरेंस का अमाउंट है वो बहुत सारे अलग फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है, जैसे कि अगर मैं किस एरिया में रह रहा हूँ, जिस एरिया में मैं रह रहा हूँ पिन कोड डालते हैं, अगर उस एरिया में चोरियां ज्यादा होती हैं तो इसका प्रीमियम का प्राइस बढ़ जाएगा। अगर मेरा कोई स्पीडिंग का चलान हुआ है, या फिर मैंने कभी सीट बेल्ट नहीं पहनी और मैं पकड़ा गया, तो वो सिस्टम सारा गवर्नमेंट का डेटाबेस ऑनलाइन अवेलेबल होता है, जो कि इंश्योरेंस कंपनीज के डेटाबेस के साथ सिंक्रोनाइज होता है, तो अगर ऐसा केस है तो भी मेरा प्रीमियम कम से कम $30-40 महीने का बढ़ जाएगा। इसलिए यहाँ पे स्पीडिंग चलान बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और रेड लाइट जंप करने का तो सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि $500-700 का चलान तो होगा ही होगा, बट $30-40 हर महीने के इसमें भी ऐड हो जाएंगे। और एक और भसूड़ी जो यहाँ पे आती है वो ये कि यहाँ पे 4-6 महीने बर्फ पड़ जाती है, इसलिए जो नॉर्मल टायर होते हैं वो काम नहीं करते, उसके लिए अलग से विंटर टायर चाहिए होते हैं, इसलिए हर 6 महीने बाद कनेडियंस अपने टायर चेंज करवाते हैं। जैसे कि अभी क्योंकि मैं लास्ट टाइम विंटर में आया था, तो इस गाड़ी में विंटर टायर्स डले हुए हैं। ये अलग तरह के खास रेडियल होते हैं जो कि आइस के ऊपर एक ही जगह पे घूमता नहीं रहता, तो इसलिए इसका सबसे पहले इंश्योरेंस एक्टिवेट होगा, जिसकी मैंने रिक्वेस्ट कर दिया, होपफुली 10 बजे तक हो जाएगा इन द मॉर्निंग। अभी बजे हैं 8:30, और उसके बाद ये गाड़ी मैं लेके जाऊँगा टायर सेंटर, जहाँ पे मेरे को ये टायर चेंज करवाने हैं, और सिर्फ ये टायर चेंज करवाने की जो फीस है वो है 600 रुपये पर टायर, तो यानी कि 2,500 रुपये सिर्फ ये पहिए बदलवाने के लग जाएंगे, और उसके बाद ये गाड़ी चलाने लायक होगी। और फिर मेरा आज का सबसे बड़ा खर्चा होने वाला है, और वो है ग्लासेस। जी हाँ, क्योंकि मैं अपने ग्लासेस उतारता रहता हूँ बार बार ब्लॉग शूट करते टाइम, और जब उसके बाद पहन लेता हूँ, तो जब वो उतारता हूँ तो अपनी पॉकेट में डालता हूँ, और वो स्कैंडिनेविया में कहीं मेरी पॉकेट से गिर गए, और उनके बिना मेरे को ढंग से नज़र नहीं आता, पास की मेरी नज़र थोड़ी सी कमज़ोर है, तो मैं कंप्यूटर पर काम नहीं कर सकता। और ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि मैं पिछले 12 दिन में कोई भी वीडियो अपलोड क्यों नहीं कर पाया, टाइम तो बिल्कुल नहीं मिलता था, बट स्टिल मैं कंप्यूटर अगर देखूँ भी कंप्यूटर की तरफ तो मेरी आँखों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है, और वो बहुत मुश्किल कर देता है मेरे लिए वीडियोस अपलोड करना। और मैं चश्मों की दुकान में हाकिम ऑप्टिकल्स, और यहाँ पे सबसे सस्ता फ्रेम है 4,000 रुपये का, इसलिए मैंने अपनी मम्मी से फ्रेम उधार मांग लिए। सो आई रियली लाइक टू अपोलोजाइज फॉर नॉट बीइंग एबल टू अपलोड द वीडियोस एज फ्रीक्वेंटली, बट ऑनेस्टली गाइस आई कैन नॉट। और ऑब्वियसली नेक्स्ट स्टॉप था सिम कार्ड, जो मैं लेने गया सीधा चैटर मोबाइल की आउटलेट पे। फाइनली सिम कार्ड ले लिया मैंने चैटर से, और सबसे सस्ता सिम कार्ड यहाँ पे चैटर का ही मिलता है, और ये प्लान है तकरीबन $40 का, जिसमें मिलते हैं 4 GB, और इसमें मिलते हैं अनलिमिटेड कॉलिंग और मैसेजेस फॉर 30 डेज। और अब मैं गाड़ी की टैंकी फुल करा रहा हूँ, और यहाँ पे पेट्रोल का प्राइस है तकरीबन $1.3, यानी कि अराउंड 65 रुपये। आजकल डॉलर थोड़ा सा महंगा चल रहा है, 50 रुपये का नहीं है, 51-52 का है, तो तकरीबन 70 के आसपास मान। और यहाँ पे पेट्रोल के प्राइसेस हर पेट्रोल पंप पे अलग होते हैं, सुबह अलग होते हैं, रात को अलग होते हैं। सबसे सस्ता पेट्रोल मिलता है शाम के टाइम 6 से 9, रात को 12 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक बहुत महंगा हो जाता है, और दोपहर को भी एक्सपेंसिव होता है। और टैंकी फुल हो गई है $64, यानी कि 50 लीटर। और अब मैं जा रहा हूँ सीधा सुपर मार्केट की तरफ।
और एक चीज़ मैं खास तौर पे ले लेता हूँ वो है ड्राई फ्रूट्स, क्योंकि जब दोपहर को भूख लगती है तो हल्दीराम का प्री पैक्ड या फिर मैकडोनल्ड्स के बर्गर खाने से अच्छा है। और ये एक बहुत बड़ा सुपर मार्केट है, ये बेसिकली एक होल सेल शॉप है जहाँ से आप एक्स्ट्रा लार्ज क्वान्टिटीज़ में सस्ती चीज़ें लेके जा सकते हैं। बट यहाँ आने के लिए एक मेम्बरशिप कार्ड चाहिए होता है जो कि $50 एनुअल मेम्बरशिप फीस पर मिलता है, जो कि मेरे पास नहीं है, किसके पास है, क्योंकि ये यहीं रहते हैं। और यहाँ पे 32 कैन पेप्सी के $12 यानी कि ₹600 के, तो तकरीबन ₹20 का एक। तकरीबन ₹600 में 1.5 किलो स्किनलेस बोनलेस चिकन थाइस, डोरिटोस का एक्स्ट्रा लार्ज पैकेट तकरीबन ₹250, ₹700 में तकरीबन 18 कॉर्नेटो टाइप आइसक्रीम्स, और मेरा फेवरेट चिकन इन पार्मेजान चीज इन सॉस ₹600 के 8 पीस, और आधे लीटर की 24 पानी की बोतलें ₹150 की। ओके गाइस, तो गाड़ी यहाँ खड़ी कर दी है और खाने का सामान किया, और अब मैं जा रहा हूँ अपने BNB के अंदर जो कि है इस घर में। और यहाँ पे मैंने BNB बुक कराया ₹10,000 में 7 रातों के लिए, और ये एक 1-bedroom सिंगल अपार्टमेंट है जिसमें मुझे एक्सेस मिलेगा पूरी किचन का और वॉशरूम का। तो अब अंदर जाके ज़रा झलक मारते हैं कि ये कैसा है। तो BNB में चेक इन कर लिया और ये है अपार्टमेंट, और यहाँ पे ये है डेजी। हेलो डेजी। और खाना वाना मैंने सारा अपना इसमें से निकाल के यहाँ फ्रिज में सेट कर दिया है। और ये है मेरी शेल्फ जिसपे मेरी हमूस और ये सारा सामान रखा हुआ है, और ये मैंने खाली करके फ्रीजर में डाल दिए, खोल के रख दिए। और बाकी ये सामान तो सारा रूम में जाएगा, ये इस घर का कॉमन लिविंग एरिया है। और यहाँ पे ये ओवन है जो मैं यूज़ कर सकता हूँ, फुल किचन है, कॉफ़ी मशीन, टोस्टर एंड ऑफ कोर्स माइक्रोवेव। ये है वो बेडरूम जो मेरे को मिला तकरीबन ₹1,500 पर नाइट में, और इसमें एक ये डबल बेड है जिसमें दो लोग रह सकते हैं, तो अगर दो हों तो इट्स ₹750 पर पर्सन। और इसके अंदर है एक ये स्लाइडिंग डोर वाली वार्डरोब जिसमें कि आप अपना सामान रख सकते हैं, और एक फुल मिरर के साथ यहाँ पे ड्रॉर्स हैं जिनमें आप सामान रख सकते हैं। और इसके अलावा ये मैंने ला के रखा हुआ है अपने ग्रेनोला बार्स जो कि लंच की स्नैकिंग के लिए काफ़ी सस्ते पड़ते हैं, विच इज़ वेरी गुड एंड हेल्दी एज वेल। और ये है वॉशरूम, और यहाँ पे काफ़ी सारा सामान रखा हुआ है, नाइस एंड क्लीन। और ये शावर इनक्लोजर जहाँ पे शैम्पूज और सोप और काफ़ी चीज़ें पड़ी हैं। और ओवरऑल इस रूम का साइज़ काफ़ी अच्छा है, इट्स प्रीटी डिसेंट, स्टोरेज भी काफ़ी अच्छी खासी है, बेड का साइज़ भी ठीक है। और बाहर करिए मेरी गाड़ी, काफ़ी चौड़ी सड़क है, शहर से थोड़ी सी बाहर है, इट्स अबाउट 20 मिनट्स ऑफ ड्राइव फ्रॉम द सिटी सेंटर, बट स्टिल वेरी रीजनेबली गुड प्राइस। और अब मैं तैयारी करने लगा अपने डिनर की, और निकाल रहा हूँ अपना चिकन फ्रिज में से, और उसे डालना है मैंने इस ओवन के अंदर। और क्योंकि मेरी माता श्री कहती हैं कि गाजर आंखों के लिए अच्छी होती है, तो मैं ढेर सारी गाजर खा रहा हूँ, और साथ में ये मेरी चिकन पैटी तो है ही है बट इसमें वेज ऑप्शन भी मिलती है, और ये है हमस जो कि लेबनीज चने की पेस्ट है, वेरी गुड एंड वेरी हाई इन प्रोटीन। और साथ में मैं खा रहा हूँ एक और अरबिक या हाफ लेबनीज सैलड जिसको बोलते हैं तुबुल्ले, और ये एक डब्बा आता है तकरीबन ₹100 का, तो हम खाएंगे ये आधा। ₹50 की पड़ेगी ये आधे डब्बे की सैलड, ₹50 की ये पैटी, और शायद ₹5 की ये, और आई गेस ₹5-10 की ये भी, तो ये तकरीबन ₹200 से नीचे नीचे मेरी डिनर मील है। ओह बाय द वे, एक और ख़ास चीज़ आप देख रहे हैं, ये 3 अलग अलग तरीके के डस्टबिन हैं,
क्योंकि यहाँ पे सब रिसाइकल किया जाता है. ये है पेपर एंड कार्डबोर्ड, ये है ग्लासेस प्लास्टिक एंड एलुमिनियम यानी कि कैंस, यानी कि आप देख सकते हैं इसमें मेरे छोटे भाई की बियर की बॉटल्स पड़ी हुई हैं. और उसके अलावा है ये ग्रीन वाला जिसके अंदर फूड रेजिडुअल प्रोडक्ट्स या फिर अगर आप लॉन से जो घास काटते हैं वो. और यहाँ पे गाड़ी खरीदनी इसलिए भी समझदारी थी क्योंकि जब विंटर्स में हर जगह यहाँ पे बर्फ पड़ी रहती है तो आप सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर रिलाई नहीं कर सकते. और यहाँ पे गाड़ियों की लाइफ तकरीबन 3 लाख किलोमीटर के आसपास होती है या फिर उससे भी ज्यादा. और मैंने खुद ये 1,30,000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी ली है और मैं इसको आने वाले 1-2 साल में ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस पे कभी भी autotrader.ca पे ऑनलाइन बेच सकता हूँ बहुत ही सिंपली. और इसीलिए ये कोई एक तरीके का बड़ा खर्चा नहीं बट ये एक टेम्परेरी एक्सपेंस है जो इजिली रिकवर किया जा सकता है. गाइस ये मेरा एक्चुअल पूरा प्रॉपर पहला व्लॉग है क्योंकि अभी तक आप लोग जो वीडियोस देखते आए हैं वो एडिटेड डॉक्यूमेंटेड सिटी गाइड्स होती हैं बट व्लॉग्स नहीं होते. एंड आई गेस आप लोगों को ये पसंद आई हो. एंड इफ एट ऑल यू हैव एनी फीडबैक प्लीज पुट इट इन द कमेंट सेक्शन ताकि मैं आगे की वीडियोस में वो सब इंक्लूड कर सकूं. स्कैंडिनेविया का पूरा सीरीज जो है वो मैं एक एपिसोड फॉर्म में बना रहा हूँ जिसमें 5 या 7 एपिसोड्स में मैं कवर करूंगा फ्लाइट्स एकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन सिटीज में कैसे घूमना कैसे मैंने सिटी पासेस यूज किए और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कैसे मैं वहाँ पे बहुत सारे लोकल से मिला और उनसे कई सारे ऐसे टॉपिक्स पे बात किए जो कि इंडियन और वेस्टर्न कल्चर को कंपेयर करते हैं जैसे कि इंक्लूडिंग इवन सेक्सुअलिटी. तो वो सारे इंटरव्यूज और वो सारी बातें अलग अलग 5-7 एपिसोड की सीरीज में आने वाली हैं. और क्योंकि मैं ऑटो पहले आ चुका हूँ और यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ देखा हुआ तो उसको शूट करने में मुझे टाइम नहीं लगेगा इसलिए मैं अपना ज़्यादातर टाइम स्पेंड करने वाला हूँ अपनी स्कैंडिनेवियन ट्रिप की वीडियोज एडिट करने के लिए जो कि आपको बहुत जल्दी जल्दी मिलने वाली हैं आने वाले कुछ दिनों में मेरे इसी चैनल पे ट्रैवलिंग देसी. सो गाइज लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम हैप्पी ट्रैवलिंग.